week win. बता दें कि कल रात हुए झगड़े के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के गया वो जमाना गंभीर बेटा। आपको याद होगा क्या हुआ था पिछली बार जब आरसीबी और लखनऊ में मैच हुआ था। आरसीबी फेल हो गई थी 200 प्लस रन डिफेंड करने में, लेकिन जो एक्शंस आवेश खान और गौतम गंभीर ने उस रात दिखाए थे वो अभी तक याद है। आवेश खान ने अपना हेलमेट फेंका था और गौतम गंभीर ने बैंगलोर क्राउड को पॉइंट किया था कि चुप बैठो। तो कल वो टाइम था फाइनली जब इस सभी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता था, क्योंकि कल मैच था आरसीबी और एलएसजी का। विराट और आरसीबी कंपनी रेडी थी, क्योंकि जैसे न्यूटन ने कहा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इस बार एक्शन टाइम था विराट का और वो पीछे हटने वाले नहीं थे, क्योंकि कल था आईपीएल 2023 का सबसे गर्म मुकाबला जिसमें विराट कोहली, नवीन उल हक और गौतम गंभीर के बीच एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ। कौन सही है, विराट कोहली या फिर नवीन और गौतम? कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच एक आईपीएल का मैच था जिसमें आरसीबी ने 126 रन बनाकर पहली बैटिंग की। सभी को लग रहा था कि इजी विन होगी 127 रन तो बनाने 20 ओवर में, लेकिन एलएसजी ने चेस करते हुए सिर्फ 108 रन बनाए और आरसीबी वो मैच जीत गई। लेकिन मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मैच के दौरान और बाद में जो हुआ वो था। मैच के 17वें ओवर में जब एलएसजी के पेसर नवीन उल हक रन लेने की कोशिश कर रहे थे तो आरसीबी के बॉलर मोहम्मद सिराज ने गुस्से में बॉल स्टंप पर फेंका, क्योंकि इसके पहले नवीन ने थोड़ा एटीट्यूड शो किया था तो वो सिराज के माइंड में था और फिर इससे नवीन उल हक को बुरा लगा और उसने विराट कोहली को कुछ कहा। अभी विराट तो पीछे हटने वालों में से नहीं थे, उन्होंने भी नवीन को एक जवाब दिया। दोनों के बीच एक गर्म आर्गुमेंट शुरू हो गई। अमित मिश्रा जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, उन्होंने कोहली को समझाने की कोशिश की और उन्हें काम डाउन करते रहे, लेकिन कोहली का फोकस अभी सिर्फ नवीन था, इसलिए कोहली ने अमित मिश्रा को इग्नोर किया और नवीन से बात करते रहे। अंपायर ने भी दोनों प्लेयर को अलग करने की कोशिश की, लेकिन दोनों सुने ही नहीं। मैच के बाद जब प्लेयर्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो उस वक्त विराट और नवीन ने हैंडशेक किया, पर ये इमेज देखो, इसमें ऐसा लग रहा है कि नवीन ने विराट का हैंड ट्विस्ट किया है और जोर से भी पकड़ा है। इमेजिन कैसा लगा होगा विराट को। और फिर नवीन ने जोर से हाथ छोड़ दिया और कोहली को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने फिर से नवीन से बात की। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये गेम का स्पिरिट का हिस्सा है और वो उनसे कुछ पर्सनल नहीं चाहते, लेकिन नवीन ने उन्हें सुना नहीं और दोनों के बीच फिर से आर्गुमेंट शुरू हो गई। ग्लेन मैक्सवेल जो आरसीबी के ऑलराउंडर है, दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे और नवीन को ड्रेसिंग रूम की तरफ ले गए। और फिर विराट काइल मेयर्स के साथ बात करने लगी, पर नवीन और विराट का इंसिडेंट देखकर गौतम गंभीर भी बीच में आ गई, जो एलएसजी की टीम के मेंटर है और कोहली के पुराने साथी है। गंभीर ने कोहली से पूछने लगे कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने नवीन से ऐसे बात क्यों की और वो क्यों लड़ रहे हैं नवीन के साथ। और इधर जो जोरदार आर्गुमेंट शुरू हो गई, प्लेयर्स और स्टाफ को आना पड़ा इन दोनों को अलग करने। आपको इनकी पुरानी फाइट याद होगी जब गौतम केकेआर में थे और विराट आरसीबी में थे, दोनों के बीच तभी से ये फाइट शुरू हुई। पर इस बार ये मैटर अलग था, ये बहुत डीप फाइट चालू है इनकी। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, आपको याद होगा पिछला मैच आरसीबी और एलएसजी का, जहां पर आवेश खान ने हेलमेट फेंका था और गौतम गंभीर ने साइलेंट होने का साइन दी थी, ये फाइट तब से गर्म है। इस पूरी घटना के बाद आईपीएल ने कोहली और गंभीर को 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा था, और नवीन को 50% मैच फी का फाइन लगाया। सोशल मीडिया पर इस बारे में बहुत बहस हुई। अभी रिसेंटली नवीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मैसेज डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व, दैट्स हाउ इट शुड बी एंड दैट्स हाउ इट गोस। और कोहली ने भी अपने इंस्टाग्राम पर मार्कस एरोलिस का एक कोट डाला है जिसमें लिखा था कि एवरीथिंग वी हियर इज एन ओपिनियन Not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. जिसका मतलब जो भी हम सुनते हैं वो सिर्फ opinion होता है, ना कि सच। और जो भी हम देखते हैं वो नजरिया होता है हमारा और ना कि पूरा सच। तो अभी क्या लगता है आपको, कौन सही है कौन गलत है? सी, पूरा मैटर क्या है आई डोंट थिंक हमें कभी पता चलेगा, क्योंकि हर किसी की साइड होती है, एवरीवन हैज देयर साइड ओपिनियन एंड ऑल। अगर फ्यूचर में वी गेट मोर डिटेल ऑन दिस वी विल श्योरली मेक अ वीडियो। और अगर आपको जानना है कि विराट को कैप्टनसी से क्यों निकाला था, मेक श्योर यू वॉच द वीडियो ऑन योर लेफ्ट। और अगर आपको जानना है कि MS धोनी ने मतीशा पटिराना को कैसे ढूंढा, मेक श्योर यू वॉच द वीडियो ऑन राइट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।